एरोप्लेन को हम सब ने आसमान में उड़ते देखा है और हर किसी का सपना होता है हवाई जहाज में यात्रा करने का। लेकिन एरोप्लेन की कुछ ऐसी खास बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो जानते हैं एरोप्लेन की खास बातों को और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन, हवाई जहाज के ज्यादातर हिस्से सफेद होते हैं। इसकी वजह यह है कि सफेद रंग की वजह से प्लेन की बॉडी में आई किसी भी तरह की खराबी जैसे क्रैक होना या तेल का रिसना आसानी से दिख जाता है। इसके अलावा सफेद रंग गर्मी से भी बचाता है जिसकी वजह से 30,000 की फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। नंबर टू, 200 बस या ट्रेन के मुकाबले प्लेन की खिड़कियां छोटी होती हैं। छोटी होने का कारण यह है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन के बाहर और अंदर के प्रेशर में काफी अंतर आ जाता है। ऐसे में खिड़कियां बड़ी होंगी तो ग्लास के टूटने का डर ज्यादा रहेगा। हालांकि कॉकपिट की खिड़कियां बड़ी और चौकोर होती हैं ताकि पायलट्स को बाहर का नजारा साफ दिख सके। और सुरक्षा की वजह से बाद में इंजीनियर्स ने खिड़कियों को चौकोर करने की जगह गोल या घुमावदार बनाया ताकि इसका प्रेशर अलग अलग हिस्सों में बढ़ सके। इसके बाद इनके टूटने की आशंका काफी कम हो गई। नंबर तीन, दोस्तों प्लेन की खिड़की में एक छोटा सा छेद होता है। दरअसल प्लेन की खिड़की में तीन लेयर्स होते हैं, एक लेयर बाहर, दूसरा बीच में और एक अंदर की तरफ। इसमें बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद होता है। बीच के हिस्से में मौजूद ये छेद कैबिन प्रेशर को मेंटेन करता है। यदि किसी कारणवश दबाव के कारण खिड़की में दरार आ जाए तो सबसे पहले बाहर की लेयर टूटेगी। इसकी सूचना मिलते ही पायलट जल्दी से जल्दी ऊपरी हिस्से से प्लेन को लोअर एल्टीट्यूड तक ले जा सकता है और खतरे को टाला जा सकता है। नंबर फोर, दोस्तों अगर किसी ने खिड़की के शटर को गिरा दिया है तो एयर होस्टेस उसे उठाने के लिए कहती है। इसके पीछे की वजह प्लेन और पैसेंजर की सुरक्षा है। दरअसल टेक ऑफ से पहले अगर खिड़की में कोई क्रैक है तो पैसेंजर तुरंत इसकी सूचना क्रू मेंबर्स को दे सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट ठीक होते ही उड़ान भर सकती है। ऐसा ही लैंडिंग के समय भी होता है। नंबर फाइव, दोस्तों कई बार सुनने में आता है कि बस या कार के पहिए गर्म होकर फट गए और उसमें आग लग गई। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी रफ्तार होने पर भी प्लेन के टायर गर्म होकर क्यों नहीं फटते? कि इसके टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह गैस सूखी और हल्की होती है। इस पर तापमान का कोई असर नहीं होता और आग नहीं लगती है और ये ऑक्सीजन गैस से क्रिया नहीं करती, इसी वजह से इसके टायर नहीं फटते। तो दोस्तों ये था आज का फैक्ट, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।